फिजिकल वाला समझ में आ गया आपको? यस सर। फिजिकल, क्योंकि फिजिकल हमारे पास नहीं होता ज्यादा, तो इसलिए हम फिजिक्स को कम करते हैं। हम लोग करते हैं ज्यादातर इसमें केमिकल वाला। तो अब आता है इसमें, ये मेन स्टेप आ गया अब इसका। यहाँ से ये आपको पूछ भी लेता है, इसमें क्वेश्चन दे देता है वो। अच्छा, पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, एक आपने एक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन, एक यहाँ पे है रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों के मीनिंग अलग अलग है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी रिवर्सिबल की डेफिनेशन पूछा जा रहा है या किस रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पे आता है जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल प्रोसेस होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम है जो आपका, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होना जरूरी है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? रिवर्सिबल ये है, रिवर्सिबल देखो, ये रिवर्सिबल का साइन है, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, देखो, ये द रिएक्शन इन विच नॉट ओनली रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। केवल कह रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, बल्कि क्या होगा, रिवर्स भी हो जाएगा। एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये भी रिएक्ट करके क्या करेगा, रिएक्टेंट बना देगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि इसे कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास फॉरवर्ड और ये हो गया आपके पास बैकवर्ड। तो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों जगह पे हो रहा है, उसको कहेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो जब इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहेंगे, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, विच टेक प्लेस इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। जो कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन? यस सर। मतलब आपको साइन समझ जाना बस। देखो, इसका साइन आपके आगे बता देता हूँ कैसे साइन है। ये अभी हम बनाते जा रहे हैं, ये देखो ये, और ये क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए जनरली, क्लोज्ड वेसल में, क्योंकि अगर आप ओपन में करोगे तो ये क्या होगा, ये तो गैस निकल के बाहर हो जाएगी, तब इसे कहाँ से पकड़ के लाओगे। तो क्लोज्ड वेसल में, इन जनरल तरीके से अगर हम कहें, कॉमन वे में, तो क्लोज्ड वेसल में हम इसे करेंगे। तो देखो, ये CO2 आपने हीटिंग करी, हीटिंग करोगे तो ये टूट जाएगा, CaO और CO2 गैस निकलेगी। ये देखो यहाँ पे, जैसे आपने ओपन क्लोज्ड वेसल ले लिया और इसमें यहाँ पे रख दिया CaCO3, हीटिंग करी आपने, हीटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और ये बन जाएगा CaO और CO2 गैस। अब ये दोनों अगर क्लोज्ड वेसल में तो अंदर ही रहेगी, फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर सकती है, दोनों कंबाइंड होगी, फिर दोबारा ये बना देंगे, तो ये रिएक्शन चलती जाएगी, इधर से फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर से बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये साइन है, देखो यहाँ पे N2O4 है, ये ब्रेक डाउन होगा तो बन जाएगा 2NO2, यानी दो NO2 के मॉलिक्यूल, NO2 + NO2। ऐसे PCl5 को आप हीटिंग करोगे तो बन जाएगा PCl3 + Cl2। H2 + I2 को कंबाइन करोगे तो बन जाएगा 2HI, और N2 + 3H2 को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा NH3। तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये रिवर्सिबल है, इस साइन से, और इसी से हमें पता चलेगा ये इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है। तो ये वाला साइन होता है, इसे कहते हैं, ये डबल पैरेलल लाइन होती है, डबल ये हेडेड एरो वाला, ठीक है। तो ये साइन आपको बताएगा, ये साइन बता रहा है आपको कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे A to B हो रहा है तो ये फॉरवर्ड के लिए बता रहा है, और अब B to A चेंज हो रहा है तो इसे कहेंगे बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को बताता है, ठीक। यस सर। अब है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, जो एक ही डायरेक्शन में होता है, और रिवर्सिबल जो दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल क्या होता है, अ रिएक्शन विच कैन नॉट टेक प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट नहीं हो सकता, एक ही साइड होगा बस, यानी प्रोडक्ट फॉर्म डू नॉट रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट। ये आपस में कंबाइंड होकर फिर ये दोबारा ये नहीं दे पाएंगे, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, एक ही रिएक्शन होगी इसमें, ठीक है, फॉरवर्ड ही रिएक्शन होगी। A + B है जो,
गिव सी प्लस टी, अभी वापस नहीं हो सकता, तो इसे कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में होती है, विच अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में होगी या जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा, उसे कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये एरो से पहचानोगे, अगर एक एरो है तो इरिवर्सिबल, ठीक है, और अगर डबल ये टू एरो वाले हो गए तो ये रिवर्सिबल। ठीक, यस सर। अब नेक्स्ट आते हैं, ये सब अच्छे चैप्टर हैं, लेंथी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं कॉम्पिटेटिव वे से भी। देखो ये एक लाइन से दिख रहा है बस हमें, एक लाइन, यहां से हमें कोई मतलब नहीं, ये तो कुछ भी ले सकते हो आप। मेन है इसमें ये वाला एरो, अगर एक एरो है तो इरिवर्सिबल, देखो एक एरो यानी ये बोल रहा है ये इसी डायरेक्शन में जा सकते हो बस, ये वापिस नहीं आ सकता। ऐसी ये है बी ए सी एल टू और एन ए टू एस ओ फोर, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है बस, रिवर्स नहीं कर सकता, बी एस ओ फोर प्लस एन ए सी एल ही फॉर्म्ड होगा। ऐसी ये एम जी प्लस ओ टू गिव्स टू एम जी ओ, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, बैकवर्ड में मूव नहीं कर सकता। तो जो एक ही डायरेक्शन में होती है वो इरिवर्सिबल है, और जो दोनों डायरेक्शन में हो जाती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और पहचानेंगे कैसे उसे, इस एरो के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया दोनों पॉइंट? यस सर। अब देखो इसका डायग्राम वो बनाएंगे हम, क्या ये ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ के लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया, देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे आपको दे दिया, वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन और इसमें टाइमिंग दे दी टाइम। ठीक है, अब आपके पास दो है, एक है प्रोडक्ट एक है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो उसका स्पीड फास्ट चलेगा और धीरे धीरे कम होगा, तो रिएक्टेंट ऐसे आएगा, ये रिएक्टेंट है, ऊपर वाला रिएक्टेंट होगा, देखो ये रिएक्टेंट है आर, तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, इसका स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, और यहां से क्योंकि जीरो है ये जीरो, तो प्रोडक्ट क्या होगा, स्टार्ट में जीरो होगा, धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों मिल जाएंगे, तो जहां पे मिलेंगे अभी आपको बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में मिल जाएंगे, तो उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये किसको दिखाएगी, इक्विलिब्रियम को, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और ये लाइन ऐसे चलती चली जा रही है, तो ये किसका ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, किसमें, रिएक्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, धीरे धीरे करके स्पीड कम होगी, बैकवर्ड रिएक्शन है तो जीरो से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे करके बढ़ेगी, और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे, तो इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आया ये ग्राफ समझ में? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक, अब जैसे फिजिकल की थी वैसे केमिकल की भी। केमिकल में क्या है, देखो खास बात, इससे फिजिकल में तो ऐसे केमिकल में कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ईच ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम कॉन्स्टेंट, यानी जितना है, जैसे कोई भी रिएक्शन होगी ए प्लस बी गिव सी प्लस टी, तो कह रहा है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है और जो इसकी कंसंट्रेशन है, इसकी ए है इसकी बी है, सपोज ये चेंज नहीं होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कॉन्स्टेंट रहेगी, ए की जितनी वैल्यू उतनी रहेगी और ऐसी बी की जितनी वैल्यू उतनी रहेगी, लेकिन कंडीशन क्या है, एट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ऐसा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो जिस हिसाब से ये यहां बन रहा है चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से यहां से बन जा रहा है, तो इसके तो बात बराबर हो गई, इसका तो कंसंट्रेशन चेंज होगा ही नहीं, इसका भी नहीं होगा,
तो इसीलिए वो कहता है कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो क्या होगा, सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये पहली ही कंडीशन है। आई समझ में? यस सर। अब आता है सेकंड, ये बेसिक पॉइंट है, आज केवल क्या करो बेसिक बेसिक को देखो, उसके बाद कल है जो आपका वो, ये भी छोटे छोटे है तो चैप्टर बड़े, लेकिन यहाँ पे इसमें ये होता है लिखने का टाइम कम हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे करके बताते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग कम होता है और इसमें ज्यादा बताया जा सकता है एक टाइम पे, तो ये जो चैप्टर है वो जल्दी जल्दी फिनिश हो सकते हैं आपके। मेन है देखो रिपीटिशन करते जाना, एक ही चैप्टर को अगर आप 5 times पढ़ जाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, तो जितना रिपीटिशन ज्यादा करोगे उतना आपको अच्छा नॉलेज होगा उसका। तो अब देखो सेकंड इसमें कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हेंस द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। अभी मैं आपको कई बार इसी को हर बार बता रहा था, जैसे ए से बी में चेंज हो रहा है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये है बैकवर्ड रिएक्शन। जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तो उसमें एक खास बात है कि जिस हिसाब से फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा उसी हिसाब से क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और क्या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, तो समझ में आया सेकेंड वाला? यस सर। थर्ड पॉइंट देखो, अब थर्ड पॉइंट कह रहा है वो कि केमिकल इक्वेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अलाउड टू एस्केप आउट और सेपरेट आउट एज अ सॉलिड। कह रहा है कोई भी प्रोडक्ट क्या नहीं होना चाहिए, वहां से एस्केप आउट नहीं होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए या सेपरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जैसे आपने यहाँ पे क्या किया CaCO3 लिया और इसे हीटिंग कर दी, CaCO3 को हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा CaO, ये तो सॉलिड है लेकिन CO2 गैस है। अब आपने इसे ओपन में रखा तो गैस तो बाहर निकल गई, अब जब आप इसको बैकवर्ड ले जाओगे तो CaO तो है आपके पास लेकिन CO2 नहीं है, तो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी, ठीक है, ये फिर ये दोबारा ये नहीं बन पाएगा क्योंकि CO2 तो एस्केप हो गई, CO2 बाहर निकल गई, तो CO2 जब बाहर निकल गई तो केमिकल इक्विलिब्रियम को आप अटेंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं इसे बार बार कि इसे क्लोज वेसल में करो। क्लोज वेसल में क्या होगा, कोई भी गैस एस्केप नहीं हो सकती, कुछ भी चीज एस्केप हो ही नहीं सकता। तो कह रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा, जब कोई भी प्रोडक्ट क्या होगा एस्केप नहीं होगा वहां से या सेपरेटेड आउट नहीं होगा कहां से, वेसल से, तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम आप क्या कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो, अदरवाइज केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसे एस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। 3 के बाद 4 आता है इसमें, 4 है केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड बाय आइदर साइड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, किधर भी तरफ अटेंड हो सकता है, ये नहीं है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, इधर भी कहीं से भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड, आप इधर से भी इसको अटेंड कर सकते हो इक्विलिब्रियम को, इधर की साइड से भी अटेंड कर सकते हो, यानी रिएक्टेंट साइड से भी अटेंड हो सकता है और प्रोडक्ट साइड से भी अटेंड हो सकता है, तो इसके लिए फिक्स ये नहीं है कि इसी साइड से इक्विलिब्रियम आनी चाहिए, हो सकता है इस साइड से भी इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी ये इनिशिएट करेगा इक्विलिब्रियम को, हो सकता है ये करे, तो वो किधर भी साइड से हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो कह रहा है जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम इधर साइड, या तो फ्रॉम डायरेक्शन टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हो इसे। क्लियर? यस सर। हाँ, और एक आज का ये लास्ट पॉइंट करते हैं बस, कैटलिस्ट पता है आपको किसे कहते हैं कैटलिस्ट? क्लास 10th में ही पढ़ा होगा आपने कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज्ड एट लास्ट,
लास्ट में वो अनचेंज रहते हैं, अनचेंज, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। तो कह रहा है जो कैटलिस्ट होता है उसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये क्या करता है कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन कर सकता है, कोई स्पीड कम से चल रही है तो स्पीड बढ़ा के उसे इक्विलिब्रियम जल्दी ले आएगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसे चेंज नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा, बस क्या करेगा थोड़ा जल्दी ले आएगा, बस अगर ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा थोड़ा जल्दी ला सकता है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता है, कौन, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे बोलते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, लेकिन विदाउट लिविंग इट्सेल्फ, विदाउट चेंजिंग इट्सेल्फ, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम के करैक्टरिस्टिक्स जो आपको याद रखने आगे के लिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है जो इसको आपको लर्न करना है, बस इतना ही आज के लिए, ठीक। ओके सर, फिर आज पढ़ के पढ़ लेना, इसे जो नहीं आएगा उसे अगले दिन पूछना है मुझे, क्योंकि हाँ अभी आप किसके बाद में क्वेश्चन पेपर ही चलेंगे आपके, जब जैसे तीन खत्म होते हैं तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे ज्यादा, तो जब आपको बेसिक नॉलेज आएगा तभी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए बेसिक को फोकस करो, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके। सुमित अभी ज्वाइन करना, मैं उसे ऑफ करता हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन करो आप।